last time we had a यार। discussion on the heredity part, and last time we had a discussion on lot of other things, right? We had discussions on the traits or the traits which are transferred from parents to offsprings. We discussed what is heredity, and we talked about a very famous scientist, Johann Gregor Mendel, the person who worked from 1856 to 1863 with pea plant, Pisum sativum. मोर देन 28,000 प्लांट्स को उसने पढ़ाई की, उसने स्टडी की, एंड 1865 में उसने अपना वर्क को पब्लिश किया. तो लेटर ऑन द चैप्टर इन टूडेज लेक्चर ऑल्सो, सो मेंडल गिव थ्री लॉस. वन ऑफ द लॉ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर बच्चों, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस. देखो बच्चों एक चीज याद रखना, उसका काम लेजेंडरी था, बहुत बहुत लेजेंडरी था. वो 1900s में मालूम पड़ गया था जब उसके वर्क को रीडिस्कवर किया था. लेकिन बच्चों उसके लॉ में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि उसके लॉ में क्या था, एंड देन वी विल सी व्हाट द प्रॉब्लम वाज. ओके, सो लास्ट टाइम वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट ऑल दीज थिंग्स, द कैरेक्टर्स विच मेंडल गेव. ठीक है, सो आई बिलीव देयर लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ऑल पर्टिकुलर बेसिक आइडियोलॉजीज. वी डिस्कस्ड अबाउट टर्मिनोलॉजी, लोकस, अलील्स, ये सब लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, डोमिनेंट, रिसेसिव. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू डिस्कशन फॉरवर्ड. बहुत ज्यादा बेसिक बेसिक चीजों पर बारे में भी हमने चर्चा की थी. सो अ डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस विच मेंडल डिड, वेर ही टुक ओनली वन वेराइटी, एंड दिस वी हैव स्टडीड ऑल्सो इन द लोअर स्टैंडर्ड, द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो मेंडल टुक लॉट ऑफ कैरेक्टर्स बच्चा, ही टुक सेवन कैरेक्टर्स. सो विल टेक एनी कैरेक्टर रैंडमली. सो मेंडल टुक लॉट ऑफ कैरेक्टर्स कि प्लांट का हाइट क्या है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, पॉड शेप क्या है, पॉड कलर क्या है, कैसा है, सब कुछ कंसिडर किया उसने. बट इन आर डिस्कशन टूडे वी विल बी हैविंग सिंगल वेराइटी. लेट्स से प्लांट का हाइट. सो वी से या तो वो टॉल हो सकता है या तो डॉर्फ हो सकता है. इनका क्रॉस कराना है, सेक्शुअल इंटरकोर्स कराना है इनके बीच में. ठीक है, सिंपल, इनको क्रॉस बोलते हैं. नाउ दिस टॉल वी नो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज TT, एंड दिस डॉर्फ, इसको हम DD नहीं लिखते, कैपिटल डी कैपिटल डी नहीं लिखते. याद रखना, क्यों नहीं लिखते, समझने की कोशिश करना. तो कैरेक्टर किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लांट के हाइट की बात कर रहे हैं. तो बात तो हाइट की चल रही है, तो यू कैन नॉट चेंज द कैरेक्टर कंप्लीटली. तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको स्मॉल टी स्मॉल टी लिखेंगे. डॉर्फ को वी विल यूज द स्मॉल लेटर, नॉट यूज द कैपिटल लेटर. नाउ वी विल फॉर्म गैमेट्स बच्चों, विल फॉर्म गैमेट्स, वेरी इजी इट इज, विल फॉर्म गैमेट्स. अब इसमें तुम देखोगे, इसमें TT निकलेगा. ओके, दे ऑलवेज ऑकर इन पेयर, उसको हम सेपरेट कर देते हैं. दे ऑकर इन पेयर विल सेपरेट देम. अब इधर देखा जाए बेटा कि कैपिटल टी है, अर्थात क्या है, कैपिटल टी है ना, देयर इज ओनली कैपिटल टी ओवर हियर, एक ही कैपिटल टी है इनफैक्ट देखा जाए तो, और इधर भी एक ही स्मॉल टी है. तो इनका जब मिक्स मैच होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा. कहने का मतलब क्या है मेरा, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर स्मॉल टी है. कैपिटल टी इज फॉर टॉल, तो ये वाला, एंड हमेशा मैंने आपको बताया, जो डोमिनेंट वाला होगा वो रिसेसिव को हमेशा मास्क करेगा, छुपाएगा. उसके बारे में हम आज वापस बात करेंगे, डोंट वरी, बिकॉज इट विल हेल्प अस इन आगे की चीजों भी. तो ये टॉल ही होगा तुम्हारा. ठीक है, तो मेंडल ने बोला कि ये तुमको देखने मिलता है, दैट इज सीन. मेंडल ने क्या बोला, ठीक है इधर से टॉल मिल रहा है, एक काम करते हैं, इसी के साथ वापस क्रॉस कराते हैं. मतलब क्या, सेल्फिंग कराते हैं. इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन. स्पेलिंग के साथ बता देता हूं बेटा मैं तुम लोगों को सिस्टमैटिकली. बेटा ये तुम्हारे गैमेट्स हैं, ये तुम्हारे गैमेट्स हैं, ये तुम्हें 9th में भी पढ़ाया बेटा, कुछ नया नहीं है. ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन. फिलियल मतलब रिप्रोडक्टिव जनरेशन होता है बेसिकली. अब क्या करेंगे बेटा, अपन सेल्फिंग करेंगे ऑफ F1. मतलब क्या, ये जो मिला है ना तुमको, उसको देखो बेटा, समझने की कोशिश करना, इसको इसी के साथ क्रॉस कराएंगे, इसको इसी के साथ क्रॉस कराएंगे. कहने का मतलब क्या मेरा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ. इसको बोलते हैं सेल्फिंग, खुद से कराना. ठीक है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बेटा, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये.
अब क्या करेंगे, इसे गैमेट्स बना देंगे बेटा। तो इसे गैमेट्स के लिए वी विल यूज पनीट स्क्वायर, वी विल यूज पनीट स्क्वायर। आई डोंट नो कितने बच्चों को याद है कि नहीं, ये पनीट स्क्वायर, ये देखो इसके गैमेट्स अगर तुम निकालोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। इसको ऐसे लिख दो, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो बेटा, एक समझने की कोशिश करना, कुछ बड़ा महान कॉन्सेप्ट नहीं है। एक है माँ, एक है पिताजी, दोनों का क्रॉसिंग करा रहे हैं और कुछ नहीं करा रहे, ठीक है। अपने में मदर फादर बोलते हैं, उनमें भी सेम ही है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट सब क्रॉसिंग करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं, दैट इज इट। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, तो इसको समझ के चलना, रट्टा मत मारना। तो इसका मैं क्रॉसिंग करा देता हूं, इसको तुम अच्छे से स्केल से बनाना बेटा। पीपीटी में मेरे को स्केल का वो नहीं मालूम पड़ता कैसे करते हैं, बट तो यहां पर एक मेल गैमेट भी होगा, इसको मेल गैमेट मान देता है, फीमेल गैमेट भी होगा, तो समझने की कोशिश करना अब क्या होगा। एक कैपिटल टी है तो कैपिटल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। अब समझने की कोशिश करना हो क्या रहा है। कैपिटल टी को तुम कैसे, बिल्कुल चलेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी को तुम देखो, मैंने यहाँ पर कैपिटल टी को पहले लिखा है, तुम उल्टा भी कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी आ गया है बेटा, तो देखो समझने की कोशिश करना, ये तो टॉल होगा ही, लेकिन ये वाला भी टॉल होगा क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल टी आ चुका है। या तो लेक्चर नंबर में तुमको बताया था, आई कलर में ब्लैक होगा और ब्राउन होगा, तो हमेशा ब्लैक ही आएगा, तो सेम यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, पर टॉल आएगा, और स्मॉल टी तो ये डॉर्फ आ जाएगा। तो मेंडल को पहली बार कुछ लगा कि भाई कुछ तो नया है, यहाँ पर मैंने टॉल लिया था, यहाँ पर मैंने टॉल लिया, लेकिन फिर भी मेरे को डॉर्फ आया, मतलब कुछ तो अंदर अंदर हो रहा है। देखो पहले के लोग क्या मानते थे कि मिक्सिंग होती है, तो इसका कुछ मिक्सिंग होगा, इसका कुछ मिक्सिंग होगा, लेकिन ये दोनों भी तो टॉल है ना, ये दोनों भी तो टॉल है, तो इनको मिक्स करेंगे तो कुछ मिडल वाला बनना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था 17-18 सालों में, क्या हो रहा था, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, क्या हुआ है बच्चों, तो सोचा ना था कि कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या सोचा था, टॉल टॉल, तो कुछ ना कुछ मिडल वाला मिलेगा, कुछ ना कुछ नॉन मिलेगा, लेकिन यहां तो ससुरा कुछ और ही आ गया। तो ये बच्चों मेंडल को मालूम पड़ा कि कुछ तो अंदर है, कुछ तो है जो नींद आए कम, कुछ तो है जिसको जीन है बोले, तो आज के तारीख में उसको जीन बोलते हैं, उस टाइम पे मेंडल को पता नहीं था डीएनए क्या होता है। मेंडल मरने के बहुत साल बाद 1900s में तो इसका वर्क डिस्कवर हुआ, 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया, इनका चुराया डीएनए का स्ट्रक्चर, उसके बाद हाँ चुराया, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा एक दिन, जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला चैप्टर बताऊंगा कि क्या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया था उसके ऊपर, बट हाँ रोजेनैंड फ्रैंकलिन ने मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, उसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत साल के बाद डीएनए क्या होता है, जीन्स क्या होता है, उसकी डिस्कवरी हुई, लेकिन मेंडल को उस टाइम पे ही पता था कि भाई कुछ तो अंदर है, अब क्या है मेरे को नहीं मालूम, उसने उस कुछ को फैक्टर्स बोला, उसने उसको कुछ को तो फैक्टर्स बोला, जिसको अपना जीन बोलता है, वही तो रिस्पॉन्सिबल है, टॉल है, डॉर्फ है, पैर है, लेफ्ट हैंड है, वाइल्डनेस है, सब कुछ कैरेक्टर्स जो है उसी पर तो डिपेंड करते हैं। नाउ इफ यू राइट द टू रेशियोज ऑफ दिस, यू कैन हैव फिनोटाइपिक रेशियो मतलब बाहर का अपियरेंस कैसा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं तीन टॉल है और एक डॉर्फ है, इसका रेशियो है 3:1। एंड जीनोटाइपिक रेशियो मतलब क्या, अंदर से कैसा है वो, अंदर से कैसा है, तो अंदर से एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी है, दिस इज 1:2, 2:1। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो, ये जीनोटाइपिक रेशियो। बच्चों देखो जब अपन 9th में थे तो बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थे अपन, लेकिन अब कुछ कुछ बातें तुमको याद रखनी है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी पता क्या है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। तो ये टर्म्स तुमको वेरी ऑफन आएंगे, मैं रिपीट भी करूंगा बार बार। होमोजाइगस टॉल क्या होता है, ये वाला कैपिटल टी कैपिटल दोनों भी होमोजाइगस, हेटरो मतलब डिफरेंट, तो ये कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस टॉल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट ऑल दिस थिंग्स बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो एंड दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो, द क्रॉस इज
मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों. नाउ देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, देखो समझने की कोशिश करना. तुमने टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया, समझने की कोशिश करना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट अभी मैं एक रखूंगा, अच्छी तरह से समझना. तो ये सब चीजें तुमने पढ़ी नहीं होगी पहले बेटा, है ना, कुछ नया पढ़ रहे हो तुम, अब इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हो. हार नहीं माननी बेटा, कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो, उसको समझने का फुल अंडरस्टैंडिंग की ट्राई करो, कभी हार मत मानो. नहीं समझ रहा है वापस देखो, फिर भी नहीं समझ रहा है तो पूछो, नेवर गिव अप बच्चों, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ समझने की कोशिश करना. तो पहले क्या किया हमने, टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया. ओके, टॉल में क्या था बच्चों, कैपिटल टी कैपिटल टी, ड्वार्फ में स्मॉल टी स्मॉल टी. उससे हमको मिल गया बच्चों, अगर तुम देखोगे तो टॉल मिल गया हमको, टॉल मिल गए. तो मेंडल ने बोला ठीक है भाई, टॉल मिल गया, अच्छी बात है, ये F1 जनरेशन है. फिर ये टॉल और टॉल को क्रॉस कराया बच्चों, तो अब की बार बच्चों अपने को टॉल तो मिला ही, लेकिन ड्वार्फ भी मिला. तो मेंडल को दिमाग में तो कुछ अभी प्रॉब्लम हो गई. देखो देखो, टॉल ड्वार्फ, तो टॉल मिला तो वो तो मिलना ही था, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, मालूम था टॉल है, ठीक है, तो टॉल तो मिलना ही, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जब ये टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी इज टॉल, राइट, इट इज टॉल, एंड उसी को टॉल के साथ क्रॉस कराया, तो ऑब्वियसली टॉल मिलना चाहिए था वापस, और हर बार टॉल ही मिलना चाहिए था. जीवन के अंत तक, समय के अंत तक टॉल ही मिलना चाहिए था. लेकिन मेंडल ने बोला ऐसा तो नहीं होता भाई, नेचर में हमको छोटे पौधे भी तो मिलते हैं, हर पौधे का साइज सेम नहीं होता, किसी किसी पी प्लांट का जो पौधा होता है वो छोटा भी होता है. लेकिन जिस हिसाब से उसको मिल रहा था F1 जनरेशन में, केवल टॉल मिल रहा था, उसको लगा आगे भी उसको टॉल ही मिलेगा. लेकिन बच्चों अब थोड़ा सा मेंडल ने दिमाग लगाया कि भाई ऐसा क्या है, ये F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, कि हमको ड्वार्फ वैरायटी भी मिल रही है. तो उसने अब सोचा कि भाई ये जो टॉल है, ये केवल होमोजाइगस टॉल तो नहीं होंगे, मतलब कैपिटल टी केवल नहीं होगा, कुछ और भी है. तो ये जो टॉल है वो कौन सा टॉल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये जो टॉल है वो कौन सा टॉल है, क्या ये समझेगा एकदम अच्छी तरह कॉन्सेप्चुअली समझना बेटा. तो बच्चों अब ये जो टॉल था, तो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो इधर सेम सेम करे जो पहले अपन ने किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल ही दिखता है बराबर कि नहीं. अब अपने को पता करना है ये जो टॉल, फिर आगे भी क्रॉस कराया इसको, F2 में तुमको टॉल मिला और ड्वार्फ मिला, लेकिन ये जो टॉल तुमको मिला है बच्चों, या टॉल जो था वो कौन सा टॉल है, क्या ये होमोजाइगस टॉल है, या क्या वो हेटरोजाइगस टॉल है. होमोजाइगस में कैपिटल टी, हेटरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा आता है. तो ये कौन सा टॉल है बच्चों, वो पता करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इंटरनली ऐसा लिखा नहीं होता है पी प्लांट पे, मैं कैपिटल टी स्मॉल टी हूँ, ये तो अपने अपने कन्वीनियंस के लिए अपन स्टडी के हिसाब से कर रहे हैं, बट इंटरनली क्या होता है वी डोंट नो ना बच्चा. तो मेंडल ने क्या बोला, जरा सबर करो, मैं हूं ना भाई. तो मेंडल ने क्या बोला, चुपचाप से एक चीज करने का, अगर आपको शक है कि ये टॉल कौन सा टॉल है, क्या ये टॉल होमोजाइगस टॉल है, क्या ये टॉल हेटरोजाइगस टॉल है, तो एक सिंपल चीज करने का, अपनी नानी के साथ क्रॉस करा दो, अपनी दादी के साथ क्रॉस करा दो, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो, रिसेसिव वाले के साथ क्रॉस करा दो, चुपचाप से जाने का ऊपर, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो. अब अगर ह्यूमंस में इसकी बात करेंगे बच्चों, तो बहुत गलत निकल सकता है इसका मतलब, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा. हाँ, इसको प्लान की तरफ से समझो, ह्यूमन से मत समझो, ठीक है. तो बच्चे बहुत स्मार्ट हो, समझ चुके होंगे अब तक मैं क्या बात करने की, है ना, विल डिस्कस ऑल्सो. बट अब अगर हम ह्यूमंस की बात ना करके इनकी तरफ लॉजिकली बात करें, और अपने को अगर पता करना है कि वो होमोसेक्सुअल टॉल है, हेटरोसेक्सुअल टॉल है, तो मेंडल ने एक सिंपल सी चीज बोली, टेस्ट क्रॉस. मेंडल ने क्या बोला,
ये दोनों जो वैरायटी है टॉल की, आपको शक है ना दोनों में से कौन सा है, दोनों ले लो, एक काम करो एक बार कैपिटल टी ले लो, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी ले लो, तो ये होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, दोनों को भी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दो, रिसेसिव पेरेंट कौन सा है, स्मॉल टी तो उसके क्रॉस करा दो, अब निकालो क्या आएगा रिजल्ट, गैमेट फॉर्मेशन करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो क्या आएगा तुमको, क्या मिलने वाला है तुमको, मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो तुमको यहां पर क्या मिलेगा, टॉल ही मिलेगा, ऑल टॉल, क्योंकि कैपिटल टी आ गया ना एक बार, अगर सब तुमको टॉल दिख रहा है मतलब ऊपर जो ये टॉल था, ये वाला जो टॉल था बच्चों, ये वाला जो टॉल था वो होमोजाइगस टॉल था, तभी तो तुमको नीचे सब कैपिटल टी मिल रहा है तुमको, ये तुमको क्लियर समझेगा जब तुम नेक्स्ट वाला समझोगे बेटा, देखो ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, अब यहां पर क्रॉस करो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यहां पर तुमको क्या मिल रहा है, यहां पर तुमको 50% टॉल मिल रहा है, ध्यान दो 50% तुमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है और 50% तुमको स्मॉल टी मिल रहा है, कहने का मतलब क्या है मेरा, यहां रिजल्ट तुम्हारा जो आएगा उस पर डिपेंड करेगा, यहां पर 100% टॉल मिलेगा तुमको, यहां पर तुमको 100% टॉल मिलेगा, 100% टॉल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो ये वाला कैरेक्टर था, देखो ये वाला F2 जनरेशन पे जो था वो होमोजाइगस टॉल था, तभी तुमको 100% टॉल मिला नीचे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर तुमको हेटरोजाइगस है, यहां पर तुम्हारा ये हेटरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, वेरी इंटरेस्टिंग वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक बेटा, रोने रोने का नहीं भैया, कितना डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, करना कुछ नहीं है, टॉल की दो पॉसिबिलिटी है, या तो होमोजाइगस टॉल या तो हेटरोजाइगस टॉल, होमोजाइगस टॉल में क्या आता है कैपिटल टी, हेटरोजाइगस में कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन दोनों भी टॉल है, लेकिन एक सच्चा वाला टॉल है और एक दिखावट के लिए टॉल है, भैरूपिया है, एक्चुअल में टॉल ही है वो लेकिन भैरूपिया है बच्चों, तो पहचाने कैसे कि मेरी असली गर्लफ्रेंड कौन है और मेरी भैरूपिया गर्लफ्रेंड कौन है, दोनों भी सेम दिख रही है, तो पता करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको क्रॉस कराया रिसेसिव ट्रेट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो अगर मुझे सबके सब बाद में क्रॉस कराने के बाद अगर सबके सब मुझे टॉल मिले, मतलब मेरे पास होमोजाइगस टॉल था, लेकिन अगर मुझे 1:1 का रेशियो मिला 50% टॉल और 50% डॉर्फ, तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर वाले भाई साहब हेटरोजाइगस होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों टेस्ट क्रॉस जो मेंडल ने दिया, तुम्हारे पास डोमिनेंट पेरेंट थे और रिसेसिव पेरेंट थे, तो ये जो क्रॉस, तो तुमको उससे कुछ ऑफस्प्रिंग मिली बाद में, तो जो क्रॉस करते हैं अपन उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, बैक क्रॉस का मतलब होता है बच्चों क्रॉस विथ पेरेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्रॉस विथ पेरेंट, लेकिन अगर ये क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और एक और कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर ये डोमिनेंट पेरेंट्स हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे बैक क्रॉस, सॉरी आउट क्रॉस, तो ये वर्ड्स तुमको जेनेटिक्स में बार बार आएंगे बेटा, बार बार आएंगे, मैंने क्या बोला बैक क्रॉस का मतलब क्या, पेरेंट का क्रॉस करना, अब उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो टेस्ट क्रॉस भी हो सकता है और या तो आउट क्रॉस भी हो सकता है, टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना, टेस्ट क्रॉस क्यों करते बच्चों, चलो मैं इधर लिखा भी देता हूं तुमको, व्हाई डू यू डू टेस्ट क्रॉस, मैं लिखा देता हूं यहां पर, व्हाई यू डू टेस्ट क्रॉस, इस सब चीजें तुमको बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज टू टेस्ट द होमोजाइगस और हेटरोजाइगस नेचर ऑफ हाइब्रिड, मतलब तुम्हारा जो हाइब्रिड है बच्चों ये होमोजाइगस टॉल है या हेटरोजाइगस टॉल है, उसके लिए अपन निकालते हैं,
सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों. In the last lectures, we have discussed about a lot of other things, right? We discussed about monohybrid cross, we discussed about test cross, and why do we do test cross? So, ये कि मैंने pictorial आपको मैंने last time बताया था draw करके test cross के बारे में. यहाँ पर pictorially यहाँ पर इनको बता रहे हैं कि आपका जो ये dominant phenotype है. यहाँ पर मैं देखो ना, मैंने आपको लिया एक character लिया है test cross के, मैंने character लिया है. तो मैंने direct मैंने बस आपको revise करा रहा हूँ कि राउंड वाला है, समझो ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, वॉयलेट है और वाइट है, ठीक है. ऐसा एक कैरेक्टर लिया है अपन ने फ्लावर कलर का. तो अगर आपको पता करना है कि बाबा मेरा जो कैरेक्टर है वो कैसा है, होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रॉस दिस विद रिसेसिव पेरेंट. तो मुझे जो भी रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पर हाफ ऑफ द फ्लावर्स आर वॉयलेट and half of the flowers are white. तो अगर मैं देखो character, देखो आखिर तो तुमको character पता है क्या है, but वो character कैसा है, वो homozygous है वो heterozygous है, वो पता करने के लिए हमने test cross शुरू किया था पहली बात. तो ये RR को हम cross करेंगे recessive parent के साथ, तो आपको हर एक flower violet मिल रहा है, इसका मतलब वो homozygous dominant था. लेकिन अगर आपको 50% violet मिल रहा है और 50% white मिल रहा है, तो मालूम पड़ेगा वो हेटरोजाइगस होगा. तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है बेटा, टेक्स्टबुक में केवल एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस इन द मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस. मतलब क्या होगा ना, थोड़ा सा टेक्स्टबुक में कैसा किया, थोड़ा सीक्वेंस बराबर नहीं दिया है, तो वी विल स्टडी इन द सीक्वेंस, दैट विल बी द बेस्ट वे. देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, सिंपली बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना. जो मैंने प्लांट का कैरेक्टर लिया, टॉल को मैंने क्रॉस किया डॉर्फ के साथ, टॉल है कैपिटल टी, डॉर्फ है स्मॉल टी, अगर मैं इसको क्रॉस करूंगा बच्चों, तुमको पता है अच्छी तरह से कैरेक्टर्स, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये सिंगल, इसमें से तुमको कैपिटल टी मिलेगा, इसमें से तुमको स्मॉल टी मिलेगा, और तुमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा, टॉल मिल जाएगा इन शॉर्ट. फिर तुम टॉल को क्रॉस करोगे, सेल्फ क्रॉस करोगे, तुमको याद होना चाहिए क्या मिलता है तुमको. मैं इधर करके दिखाता हूं, सेल्फ क्रॉसिंग में करूंगा अगर, और गैमेट सबको पता होनी चाहिए, मैं रिवाइज करा रहा हूं क्विकली, तो जरा फ्लो में रहो. फिर आप क्रॉसिंग करोगे, या तो पनीट स्क्वायर बनाओ इसका, वो भी अच्छा है, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, यू मेक पनीट स्क्वायर. कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. तो आपको यहाँ पर 3:1 रेशियो में तीन टॉल मिलेंगे, एक डॉर्फ मिलेगा, तो आपकी ये फिनोटाइपिक रेशियो होगी, और जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1, याद होगा तो एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी स्मॉल टी है. तो चीजें बच्चों हमने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम. बच्चों मैं कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं इससे, तो आपको ये सब मिल गए, ये फिनोटाइपिक रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो. ओके बच्चों, एक आपको पता होना चाहिए एकदम सिंपली, कुछ कुछ चीजें मैं आपको नोट्स के फॉर्म में लिखाता हूं. कोई भी क्रॉस ले लो आप, मोनोहाइब्रिड एंटाहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड आगे पढ़ाऊंगा तुमको, डोंट वरी, नाइन्थ में पढ़ा होगा. फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, जिसको आज के तारीख में हम जीन्स बोलते हैं, मेंडल के टाइम पे उसको पता नहीं था. अब आगे क्या है ये चीज तो तुमको पता है बच्चों. बच्चों कैसा होता है ना, तो ये तो क्लियर हो गया कि जो भी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स होंगे, जो बाहर से दिखेंगे, वो जो हमारे जीन्स पे कंट्रोल होंगे, वो पता चल गया सब लोगों को. अब होता क्या है बच्चों,
तुमको पता होना चाहिए हमेशा तुम्हारे जो क्रोमोसोम वगैरह भी होते हैं वो पैर में होते हैं हमेशा। तो उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर डोमिनेट्स ओवर द अदर। जो डोमिनेट करेगा उसको बोलते डोमिनेट फैक्टर, और जो नहीं करेगा वो रिसेसिव है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस करता क्या है बच्चों, इट एक्सप्लेन्स वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कि अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, फिर भी ये जो प्लांट है पी प्लांट वो टॉल दिखेगा। क्योंकि देखो सिंपल है, तुम समझने की कोशिश करना। माना देखो, इसको समझना ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को समझो अच्छी तरह से, इसका मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। एक क्रोमोसोम है, इधर भी एक क्रोमोसोम है, एक जीन है, सॉरी अपना डीएनए है, ठीक है। तो वहां पर समझो जीन होंगे बच्चों, ये जीन होगा हाइट ऑफ द प्लांट। तो ये जीन से बच्चों बनेगा आरएनए, मतलब डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। अभी प्रोटीन क्या करेगा, ये एंजाइम बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, और ये प्लांट को लंबी हाइट देगा, प्लांट को लंबी हाइट देगा, वेरी सिंपल। तो ये लंबी हाइट क्यों दिया, क्योंकि कैरेक्टर था कैपिटल टी। लेकिन अब किसी कारणवश, किसी म्यूटेशन के वजह से या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से ये जो डीएनए है वो खराब है, तो इसका जो आरएनए बनेगा वो भी फॉल्टी बनेगा, इसका जो प्रोटीन बनेगा वो भी फॉल्टी बनेगा। तो ये बस स्मॉल टी वाला जीन है फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि ये स्मॉल टी वाला है तो फॉल्टी आरएनए बनेगा, फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा, मतलब ये यूजलेस ही है। तो इन दोनों का जब क्रॉसिंग होगा तो जो प्लांट बनेगा उसमें बच्चों, अगर ये 3 फीट का प्लांट है, 1.5 फीट का है, तो तुमको प्लांट देखने मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट करता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर दोनों भी कैपिटल टी हुआ तो ये फॉल्टी आरएनए नहीं बनाएगा, प्रॉपर आरएनए बनाएगा, प्रॉपर प्रोटीन बनेगा, तो कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 3 फीट का ही प्लांट दिखेगा तुमको, बड़ा वाला। लेकिन इन केस अगर दोनों भी फॉल्टी है तब जाके प्लांट छोटा होगा, 1.5 फीट का या 2 फीट का, कुछ भी। सो इट डिपेंड्स बच्चों, एक फैक्टर दूसरे पे हमेशा डोमिनेट करता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता है। और दिखता भी है ना बच्चों, ये दिखता भी है, हमने देखा भी है। देखो यहाँ पर देखो, F1 जनरेशन में ये टॉल है, ये डॉर्फ है। तो एक तो टॉल है ना, तो वो टॉल की वजह से ये जो F1 में आया बच्चा वो भी टॉल है, तो डोमिनेट किया ना उसने। नीचे भी देखो, वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है, मतलब कैपिटल टी वाला खुद को डोमिनेट करेगा ओवर स्मॉल टी। तो यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और कुछ भी नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि अगर एक भी कैपिटल टी आ गया तो दूसरे वाले को रोक देगा वो। और इसका स्टेटमेंट क्या था बच्चों, इसका स्टेटमेंट वॉज वेरी 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 सिंपल। अगर एग्जाम में किसी ने पूछ लिया तो, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, बच्चों when two homozygous individuals with one or more contrasting characters are crossed, the alleles
that appear in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive. इसका मतलब सिंपल क्या है, लिखाने के लिए तुमको मैंने लिखा दिया कि डेफिनेशन ये स्टेटमेंट है, किसने पूछ लिया तो, बट इसका मतलब बहुत सिंपल है. तुमने क्रॉसिंग किया, जो F1 में दिख गया, जो F1 में दिख गया, F1 में तुमको टॉल दिख गया, तो डोमिनेंट है, और जो नहीं दिखा वो रिसेसिव है. जो दिख रहा है वो डोमिनेंट है. जितने भी एग्जाम्पल ले लो तुम, यहां पर भी दोनों कैपिटल टी है, तुमको टॉल दिख गया, यहां पर स्मॉल टी आ जाता, लेकिन फिर भी तुमको F1 में टॉल ही दिखता ना, तो वो तुम्हारा डोमिनेंट है. और जो नहीं दिख रहा है वो रिसेसिव है. जो दिख रहा है वो बिक रहा है, दैट इज डोमिनेंट, और जो नहीं दिख रहा है वो रिसेसिव है. तो ये मेंडल का फर्स्ट लॉ था, डोमिनेंस वाला. लोगों ने बोला दिख तो सही रहा है सब कुछ, कोई गड़बड़ नहीं है. लेकिन अब गड़बड़ होनी शुरू हो गई बच्चों, क्योंकि अब पीरियड आया. देखो ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में बहुत ना स्कैटर तरीके से दिया है, लेकिन मैं तुमको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा. मेंडल का पहला लॉ और मेंडल की गलतियां, मेंडल का सेकंड लॉ उसकी गलतियां, तो ये चीजें मैं तुमको इस तरह से पढ़ाऊंगा. एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा, तो तुमको समझ, तो तुमको लॉ भी समझेगा और तुमको गलतियां क्या थी वो भी समझ जाएगा. सो डिविएशन फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग्स मेंडल की क्या क्या गलतियां हुई बच्चों, देखो कुछ कुछ चीजें तो समझ आ गई. एक सिंगल ट्रेट होगा, उसका एक सिंगल जीन होगा, एक सिंगल ट्रेट होगा, कोई कैरेक्टर है, वाज एग्जांपल. तो सिंगल ट्रेट के लिए सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा मेंडल ने बोला. और उसके दो अलील्स होंगे, ये हमने डिस्कस किया. और ये दो अलील शो इंटरैक्शन, इन विच वन इज कंप्लीटली डोमिनेंट, तभी तो दिखता है. और ये सब के लिए जीन्स होते हैं बच्चों, फैक्टर्स, ठीक है. तो ये चीजें समझ में आ गई, कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई, आगे और भी क्लियर होगी चीजें, डोंट वरी. ये चीजें क्लियर होने लगी, लेकिन फिर लोगों को लगा कि नहीं यार कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है. तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आए, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन टू फर्स्ट लॉ. ये भाई जो मेंडेल लॉ दिया डोमिनेंस का, वो कुछ कुछ जगह पे सही नहीं बैठ रहा है. और उसका जो पहला एग्जाम्पल था बच्चों, वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. अच्छी तरह से सुनना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अब क्या था इसमें, इसका एग्जांपल भी लेंगे बच्चों अपन, ठीक है. बहुत सारे एग्जांपल तुम देख सकते हो बच्चों, विल टेक वन सच एग्जांपल. मेरबिल्लिस जलप्पा एग्जाम्पल ले लेते अपन. मेरा बिल्लिस जलप्पा, हमने क्या किया, कलर कलर फ्लावर कलर की बात की हमने. हम कौन सी कैरेक्टर की बात की, कलर ऑफ द फ्लावर उसकी बात की हमने. हमने क्या किया, बहुत सिंपल किया कुछ काम. हमने पेरेंट्स लिए, रेड फ्लावर विथ व्हाइट फ्लावर,
टॉस कराया व्हाइट फ्लावर के साथ, रेड है तो कैपिटल आर होगा और व्हाइट है तो स्मॉल आर होगा। तो इसमें तुम देखोगे बच्चों तो आर आता है, इसमें स्मॉल आर आता है, तो इसमें ये कैरेक्टर आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये F1 जनरेशन है। अब F1 में क्या आना चाहिए, रेड फ्लावर को क्रॉस कराया व्हाइट के साथ, तो दिखना क्या चाहिए, दिखना तो रेड चाहिए था, लेकिन रेड नहीं दिखता बच्चों, पिंक दिखता है, पिंक दिखता है, रेड नहीं दिखता। क्यों रेड नहीं दिखता और पिंक दिखता वही बताऊंगा, लेकिन जो मेंडल ने बोला था उससे तो डिफरेंट है। मेंडल ने क्या बोला, रेड वाला समझो फॉर एग्जांपल डोमिनेंट है तो रेड दिखना चाहिए, रेड दिखना चाहिए, या तो मैं एकदम ही अंधा हूं, मैंने रेड को ही डोमिनेंट लिया वो भी गलत लिया, व्हाइट को लिया तो व्हाइट दिखना चाहिए, ना ही राइट दिखा ना ही व्हाइट दिखा, कुछ बीच का ही आ गया, पिंक आ गया। सब हैरान सब परेशान, देखो समझ ना ही ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी बुक में वो तो दिया नहीं है क्यों हुआ, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ ही रहे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे अभी। देखो सिंपल होता है, क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स होता है, तो जीन्स में जीन्स आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, वैसे ही जीन्स होंगे आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। अबे जो व्हाइट था वो तो खराब बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वो प्रोटीन, वो डिफेक्टिव प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये जो रेड था बच्चों, इसको रेड फ्लावर को हमने लिया, किसी कारणवश वो इनफ प्रोटीन नहीं बनाता। तो अगर ज्यादा प्रोटीन बनाता वो, बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाता तो फ्लावर तुम्हारा रेड दिखता, लेकिन वो इनफ प्रोटीन ही नहीं बनाता, तो इनफ प्रोटीन नहीं बनाता तो वो पिंक तक ही पहुंच पाता है, रेड बना ही नहीं पाता। लेकिन मेंडल ने क्या बोला घमंड से एकदम, कि नहीं भाई, नहीं भाई, रेड लिया व्हाइट लिया, और अगर राइट डोमिनेंट है तो रेड दिखना चाहिए F1 जनरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बच्चों, पिंक दिखा, पिंक दिखा। और कहानी तो खत्म नहीं हुई, F2 जनरेशन में इसकी सेल्फिंग की, तो आर 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 आर्पनेट स्क्वायर बनाया, ओके पनेट स्क्वायर बनाया ना, फीमेल मेल ऐसा पनीट स्क्वायर बनाया उन्होंने, लिखने का तरीका है फीमेल मेल को एक अलग तरीके से लिखने का तरीका है, अलग सिंबल के फॉर्म में, आगे तुम पढ़ोगे इसके बारे में, पेडिग्री एनालिसिस करो, टेंशन मत लो। तो ये आर आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर क्या होगा बच्चों, रेड होगा, क्योंकि दोनों भी आर के, देखो ये दोनों भी रेड है तो रेड दिखेगा, लेकिन अगर एक रेड है और अगर एक व्हाइट है तो व्हाइट तो खराब हो जाता है एकदम, तो रेड वाला भी इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता, इफेक्टिवली प्रोटीन नहीं बना पाता, तो ये वाला बच्चों पिंक निकलता है, ये तो रेड निकलता ही है, ये वाला भी पिंक निकलता है और ये वाला तो व्हाइट निकलता है। तो बच्चों नाउ बी वेरी क्लियर अबाउट कॉन्सेप्ट कि हाँ भैया सोचा था क्या और हो गया क्या, सोचा था कि प्यारा सा रेड आएगा, मेंडल ने जो बोला था वो सही होगा, जिंदगी ऐसे आगे बढ़ेगी, लेकिन नहीं ऐसा हुआ बच्चों। अगर मैं देखूं इसका फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो, कैसा दिख रहा है, तो एक रेड दिख रहा है मुझे, एक दो दो पिंक दिख रहा है, और एक व्हाइट दिख रहा है, तो 1:2:1 मेरे को फिनोटाइपिक रेशियो दिख रहा है, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या दिख रहा है मुझे, लेट्स सी, मुझे एक आरआर दिख रहा है, दो कैपिटल आर स्मॉल आर दिख रहा है, और एक स्मॉल आर दिख रहा है, मतलब 1:2:1। देखो मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने जीनोटाइपिक रेशियो तो सही बोला था, लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो मेंडल ने बोला था 3:1, आ गया ना डिविएशन, हो गया ना मेंडल गलत, तो ये था नहीं बायोलॉजी, जब मेंडल गलत साबित हुआ बच्चों,
तो ये तुम्हारा एक ब्यूटीफुल सा एग्जांपल है, क्या सोचा था और क्या हो गया, ठीक है, जो अंदर है वही बाहर है, खुल्लम खुल्ला, ओके, खुल्लम खुल्ला, जो अंदर, वेरी इजी। सो बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया मेंडल को दिखा तो होगा कि पिंक फ्लावर आ रहा है, लेकिन ही वाज वर्किंग विद पी प्लांट, ही डिडंट हैव एनी आईडिया अबाउट अदर प्लांट्स, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर था वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, सोचा था कि रेड आएगा बट रेड नहीं आया। कोडोमिनेंस मतलब क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसका एक मस्त एग्जांपल दिया है, एग्जांपल है कोडोमिनेंस का इन कैटल्स, बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहां पर क्या होगा, कैरेक्टर अपने आपको इक्वली एक्सप्रेस करेंगे, कहने का मतलब क्या है मेरा, कहने का मतलब है मेरा, मैं एग्जांपल तुमको दे रहा हूं, कोट कलर इन कैटल, इसमें क्या होता है, इसका कलर देखो रेड है, इसका है व्हाइट, लेकिन जब क्रॉसिंग करोगे तो दोनों का मिक्स हो जाएगा, ना कंप्लीटली रेड तुमको नजर आएगा ना कंप्लीटली तुमको व्हाइट नजर आएगा, बच्चों तुमको मिक्स नजर आएगा, ना कंप्लीटली रेड ना कंप्लीटली व्हाइट। देखो यहां पर रेड का भी पैच है और व्हाइट भी है, रेड भी है व्हाइट भी है, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस, को मतलब दोनों भी आ रहा, ना ही कंप्लीटली रेड आ रहा ना कंप्लीटली व्हाइट आ रहा, यहां पर क्या हो रहा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इनकम्प्लीट है, अधूरा है, अधूरी अधूरी कहानी रही, ना रेड ना व्हाइट कुछ और ही आ गया, किस्मत बदलती वेख मैं जक बदलता वेखिया, मतलब कुछ अलग ही हो गया, जो ना सोचा था ना समझा था, लेकिन यहां पर क्या हो गया, ना कंप्लीटली रेड आ रहा ना कंप्लीटली व्हाइट आ रहा, तो रेड के साथ व्हाइट के पैच भी दिखाई दे रहे हैं तुमको यहां पर, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है यार। तो यहां पर भी अगर तुम देखोगे बच्चों बहुत अच्छी तरह से एकदम सिस्टमैटिकली, इधर भी तो तुमको देखो, इसका अगर तुम जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, देखो ऐसा है, इसको मैं ऐसे भी बता देता हूं, आर आर क्रॉस करोगे, रेड है ना, एक एक रेड है और एक व्हाइट है, तो इसके कैरेक्टर्स होंगे, इसको मैं सेल्फ क्रॉस कराऊंगा, तो अगर तुम पनीट स्क्वायर में देखोगे आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो एक तुमको रेड दिख रहा है, एक तुमको व्हाइट दिख रहा है, तो एक तुमको रेड दिख रहा है, एक तुमको व्हाइट दिख रहा है, और दो तुमको बच्चों रॉन दिख रहे हैं, मतलब वो बीच क्या, तो ये रेशियो आएगा 1:2:1, और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या आएगा तुमको, एक आर आर दो कैपिटल आर स्मॉल आर और एक डब्ल्यू डब्ल्यू, तो यहां पर भी 1:2:1 है दोनों भी, यहां पर फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो दोनों भी 1:2:1 है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:2:1 है, तो दोनों भी सेम टू सेम का रेशियो है, जो मेंडल ने सोचा था उससे बहुत डिफरेंट है बच्चों, बहुत डिफरेंट है।